Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in today's video, we will complete this chapter number 3, Fun with Numbers of your class 2 NCERT of Mathematics textbook. So this is going to be the part 2. We have already done with the part 1st. So part 1 hum pehle hi kar chuke hain aur is part mein hum is chapter ko finish kar lenge. So let's see what is next. So let us do. वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस हियर, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है. तो देखते हैं कि क्या है. सो सबसे पहले ए, ऑन द नंबर चार्ट यूज स्किप काउंटिंग इन टू एंड ड्रॉ सर्कल ऑन द नंबर्स. नाउ यूज स्किप काउंटिंग इन फाइव एंड ड्रॉ ट्राइंगल ऑन द नंबर्स इन द नंबर चार्ट. एक नंबर चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें टूज की काउंटिंग करनी है. टूज मतलब कि हर एक डिजिट को छोड़ के हमें काउंट करना है और उस पर हमें सर्कल करना है. तो जैसे यहाँ हमें एक करके दिया हुआ है, टू को सर्कल किया है, फिर एक छोड़ के फोर को सर्कल किया है, फिर एक छोड़ के सिक्स को सर्कल किया है. ऐसे ही हम एक एक डिजिट को छोड़ के यानी कि टूज सेकेंड नंबर को सर्कल करेंगे. तो एट पे सर्कल, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटीन, एटीन, ट्वेंटी, देन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी एट, थर्टी. ऐसे ही हम हंड्रेड तक एक एक डिजिट को छोड़ के सर्कल कर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है नाउ यू स्किप काउंटिंग इन द फाइव. अब हमें जैसे हमने एक एक को छोड़ के किया था, अब हमें हर फाइव पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है. जैसे कि यहाँ फाइव पे हमें करके दिया हुआ है, फाइव में फाइव ऐड करेंगे तो टेन, टेन में ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है. सिमिलरली फिफ्टीन पे, फिर ट्वेंटी पे, देन ट्वेंटी फाइव, देन थर्टी, देन थर्टी फाइव, देन फोर्टी, फोर्टी फाइव, फिफ्टी, फिफ्टी फाइव, सिक्सटी, सिक्सटी फाइव, सेवेंटी, सेवेंटी फाइव, एटी, 85, 90, 95 एंड 100. सो ये हमने सर्कल और ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए हैं. इस तरीके से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप्स इन टूज एंड फाइव्स. अब हमने सर्कल टूज के लिए ड्रॉ किया और ट्राइंगल फाइव के लिए, राइट. अब हमें देखना है कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है. कॉमन मतलब जो टूज में भी आ रहे हैं और फाइव्स में भी आ रहे हैं. तो ऐसे नंबर्स हमें देखने हैं जहाँ पे सर्कल भी है और ट्राइंगल भी है. जैसा कि आप लास्ट इस कॉलम में देख सकते हैं, टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी, सेवेंटी, एटी, नाइन्टी एंड हंड्रेड. ये सारे नंबर ऐसे हैं जिसमें सर्कल और ट्राइंगल यानी कि टूज एंड फाइव्स दोनों आ रहे हैं. बाकी के सारे नंबर में या तो सर्कल है या ट्राइंगल है, दोनों चीज़ें कॉमन नहीं हैं. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू स्किप्स इन टूज. अब हमें टूज वाले देखने हैं, थ्रीज वाले देखने हैं और फाइव्स वाले देखने हैं. तो हमने टू के लिए सर्कल ड्रॉ किया था, फाइव के लिए ट्राइंगल ड्रॉ किया था. अब मैं थ्रीज की काउंटिंग करती हूँ और उसके लिए स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. जैसे कि थ्री, फिर थ्री के बाद सिक्स, देन नाइन, देन ट्वेल्व, देन फिफ्टीन, देन एटीन, देन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सेवन, थर्टी, थर्टी थ्री, थर्टी सिक्स, थर्टी नाइन, फोर्टी टू, फोर्टी फाइव, फोर्टी एट. ऐसे ही हर तीसरे डिजिट पे हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे. ओके, अब कह रहा है कि ऐसे नंबर बताओ जो कॉमन है, जिसमें सर्कल भी आ रहा है, ट्राइंगल भी आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है. कि पहले ही हम देख चुके हैं सर्कल और ट्राइंगल वाले सिर्फ ये लास्ट कॉलम में थे. अब हमें सिर्फ यही देखना है कि स्क्वायर कहाँ कहाँ है. तो हम देख सकते हैं 30, 60 और 90 ऐसे डिजिट्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं. ओके, सो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. राइट डाउन द नंबर्स कॉमन टू द स्किप्स ऑफ फाइव एंड सेवन. अब हम फाइव और सेवन की करेंगे. तो फाइव के लिए हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ था, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, राइट. अब हम सेवन्स के लिए हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, सो सेवन, फोर्टीन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी एट, थर्टी फाइव, फोर्टी टू, फोर्टी नाइन, फिफ्टी सिक्स, सिक्सटी थ्री, सेवेंटी सेवन, सेवेंटी ऑल्सो, एटी फोर, नाइन्टी वन, नाइन्टी एट. ये सारे सेवन्स के काउंटिंग हो गए. अब ऐसा नंबर देखना है जहाँ पे ये दोनों कॉमन हो. तो हम देख सकते हैं 35 और 70, ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो कॉमन है. ओके, सो इस तरीके से आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू.
अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. जंप एंड फाइंड द नंबर्स राइट येस और नो. कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनका आंसर हमें येस और नो में करना है. उसके लिए हमें क्या करना है, मेक अ नंबर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड जंप ऑन इट. हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंगली जंप करना है और हमें पता करना है कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं करेक्ट है. ओके, अब नंबर लाइन क्या होता है ये कंसेप्ट मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ. प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. सो लेट्स सी वन बाय वन. सो पहला क्वेश्चन है, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 10, ओके, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी. अब उसमें कह रहा है कि अगर आप 10 से स्टार्ट करते हैं एंड जंप काउंटिंग इन टेंस, और हर 10 के बाद आप काउंट कर रहे हैं, तो क्या आप 100 पे लैंड करेंगे, क्या 100 आएगा उस नंबर लाइन पे. सो लेट्स सी, 10 में 10 ऐड किया 20, 20 में 10 ऐड किया 30, देन 40, देन 50, देन 60, 70, 80, 90 एंड 100. 10 के गैप्स पे हमें जंप करना है. तो यस, वी कैन सी कि अगर हम 10 के गैप्स पे अगर जंप कर रहे हैं तो 100 आ रहा है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं, जंप एंड फाइंड आउट इफ यू स्टार्ट एट 5. अगर आप 5 से स्टार्ट करते हैं एंड काउंट इन 5s, और 5-5 के गैप पे हमें काउंट करना है, तो 5 में 5 ऐड किया 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30, देन 35 एंड 40. तो क्या आपका 40 आ रहा है? यस, अगर हम 5-5 के गैप्स पे जंप कर रहे हैं और स्टार्ट अगर 5 से कर रहे हैं तो 40 आएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट्स से इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 0, अगर आपने 0 से स्टार्ट किया एंड काउंट इन 5s, और फिर से 5 पे ही जंप करना है, तो 0 में 5 ऐड किया देन 5, देन 5 में 5 ऐड किया 10, ऐसे 5-5 ऐड करेंगे तो 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55. नाउ द क्वेश्चन इज, will you jump on number 55 at any time? So as you can see here, yes, we'll surely jump on number 55. So what we are going to write here? Yes. Okay, this statement is also correct. Next hai, if you start from 4, आप 4 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 के गैप पे आपको जंप कर रहे हैं, तो क्या 17 आएगा? So let's see, 4 में अगर 2 ऐड किया 6, then 2 ऐड किया तो 8, then 10, 12, 14, 16 and 18. So as we can see here, 17 से बड़ा 18 आ गया है, लेकिन 17 नहीं आया. तो अगर हम 4 से स्टार्ट करते हैं और 2-2 के काउंट में अगर काउंटिंग करते हैं तो 17 नहीं आएगा. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 13, आपने 13 से स्टार्ट किया एंड काउंट इन 3s, और 3-3 के गैप पे आपने काउंटिंग की, तो 13 में अगर 3 ऐड किया तो 16 आएगा, देन 19, देन 19 एंड 3 22, और 22 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 25 आएगा, जो कि 24 से बड़ा है, यानी कि 24 नहीं आएगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, नो. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, लेट अस जंप बैकवर्ड. अब बैकवर्ड काउंटिंग हमें करनी है या नंबर लाइन पे बैकवर्ड कुछ पैटर्न हमें दिए गए हैं, उनको ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, वी हैव टू कम्प्लीट द फॉलोइंग पैटर्न. अब बैकवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, ये पिछले पार्ट में मैं बता चुकी हूँ. लेट सी वन बाय वन. सो यहाँ पे फ्रॉग जो है बैकवर्ड की तरफ जंप कर रहा है. वट कम्स जस्ट बिफोर 10, 10 से पहले क्या आ रहा है, तो 9 आ रहा है. What comes just before 9? 9 से एक पहले क्या आ रहा है? Just before 9 क्या आ रहा है? 8. So frog जो है वो continuously backward jump कर रहा है, तो 10, then 9, then 8, then 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, so in this way we will fill these boxes. Now let's see the next part. So next part में 40 से फ्रॉग जो है बैकवर्ड जंप कर रहा है, देन 37. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 का गैप है, राइट? फिर 3 का गैप 34, फिर 3 का गैप 31, फिर 3 माइनस करेंगे 28, देन 25, देन 22, देन 19, देन 16, देन 13 एंड 10. इन सब में 3-3 का गैप्स है और फ्रॉग जो है 3-3 के गैप पे जंप करेगा. नेक्स्ट है, frog is starting from 70. 70 से backward गया 65, then 60. अब ये 5-5 के gap पे jump कर रहा है, तो next jump क्या होगा? 55, 50, then 45, then 40, then 35 and next is 30. Next देख लेते हैं, next है frog is jumping from
100 से स्टार्ट किया, देन 90, तो यहाँ पे 10 का गैप आया, तो 10 का गैप और होगा तो 80, देन 70 एंड देन 60. नेक्स्ट इज 100, देन 80. अब यहाँ पे 20 का गैप आया, तो 80 से अगर 20 का गैप जंप होगा तो 60 एंड देन 60 टू 40. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. इज देयर अ पैटर्न इन द गिवन नंबर? यहाँ पर एक नंबर लाइन दी हुई है या नंबर सीरीज दी हुई है, 100, 90, 80, 70, 60. तो क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है? इफ नॉट, चेंज द नंबर टू क्रिएट द पैटर्न, ऑल्सो एक्सटेंड इट. अगर नहीं दिख रहा है तो आपको पैटर्न को चेंज करना है. लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि यस, हमें नंबर दिख रहा है. अगर बैकवर्ड मूव करेंगे तो 100 से 90, देन 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, यानी कि 10-10 का गैप्स है, तो 60 से 50, देन 50 से 40 एंड 40 से 30. सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट और एक्सटेंड दिस सीरीज. सो वी हैव डन विद दिस पार्ट ऑल्सो. नाउ लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट पार्ट में है लेट अस टॉक. कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हमें नंबर चार्ट पे देखना है. सो एक एक करके देख लेते हैं. पहला है, रिजवान इज काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स. ऑनवर्ड्स मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम, जिस जगह की बात हो रही है वहां से स्टार्ट करना, वहां से आगे की तरफ बढ़ना. ओके, सो 20 ऑनवर्ड्स यानी 20 के बाद रिजवान जो है काउंटिंग स्टार्ट करता है. सो क्वेश्चन इज, विल ही से द नंबर 19 इन हिज काउंट? तो क्या जब वो काउंटिंग करेगा 20 ऑनवर्ड्स तो उसको 19 काउंट करने में आएगा क्या? अगर आएगा या नहीं आएगा तो वो आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं आएगा. ओके, सो एज वी कैन सी 20 के बाद तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और उससे भी आगे तक की काउंटिंग आएगी. 19 नहीं आएगा, राइट? क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 19 जो है वो 20 से पहले है, ऑनवर्ड्स नहीं है. ऑनवर्ड्स मतलब बाद में या आगे नहीं है. ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? नो, ही विल नॉट से 19 इन हिज काउंट. व्हाई? बिकॉज 19 विल कम बिफोर 20. नेक्स्ट देख लेते हैं. छवि इज काउंटिंग नंबर्स इन टूस. हर दो दो के गैप पे छवि जो है काउंट कर रही है फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स. 10 onwards मतलब 10 के बाद छवि हर दो दो के गैप पे काउंट कर रही है. विल शी से 43? एक्सप्लेन वाई. क्या वो काउंटिंग करते वक्त 43 बोलेगी? तो आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, सो 10 के बाद अगर दो के गैप पे काउंट कर रहे हैं तो 12, देन 14, देन 16, देन 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. तो हमने देखा 43 तो आया नहीं काउंटिंग में, 44 आ गया. सो व्हाट विल बी द आंसर? नो, शी विल नॉट से 43. व्हाई? बिकॉज आफ्टर 42, 44 विल बी द नेक्स्ट नंबर इन हर काउंटिंग. अगर वो दो दो के गैप पे काउंट कर रही है तो 42 के बाद डायरेक्ट 44 आएगा, 43 नहीं आएगा. सो ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट देख लेते हैं. माला इज काउंटिंग बैकवर्ड. माला जो है बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है फ्रॉम 20. अब पीछे की तरफ, ऑनवर्ड नहीं, बैकवर्ड. ओके, हाउ मेनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच जीरो? जीरो तक पहुंचने के लिए माला को कितने स्टेप्स जाने पड़ेंगे? तो अगर 20 से स्टार्ट कर रही है माला, सो हाउ मेनी स्टेप्स शी इज गोइंग टू टेक? सो यस, शी विल टेक 20 स्टेप्स टू रीच जीरो बिकॉज देयर आर 19 नंबर्स एंड 10 एज अ स्टेप. अगर आप 20 के बाद से सारे स्टेप्स काउंट करेंगे तो 20 स्टेप्स होते हैं जीरो तक जाने के लिए, क्योंकि टोटल 19 ये नंबर्स हो गए और उसमें एक ये जीरो वाला नंबर हो गया. सो 20 विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विराज इज काउंटिंग बैकवर्ड. अब वो भी बैकवर्ड काउंट कर रहा है विराज इन टूज फ्रॉम 20. अब 20 से एक एक के गैप पे यानी कि दो दूसरे दूसरे नंबर पे जंप कर रहा है. हाउ मेनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच जीरो? डिस्कस. अब विराज 20 के बाद सीधा 18 पे जंप करेगा, फिर 16 पे, फिर 14 पे, फिर 12 पे, ऐसे करके जीरो तक वो एक एक के गैप पे पहुंच रहा है. सो विराज विल टेक 10 स्टेप्स टू रीच जीरो because there are 10 numbers in between 0 and 20 if he will count in twos. Agar wo twos mein count karega to 10 digits aate hain, 10 numbers aate hain 20 aur 0 ke beech mein. Okay,
Now let's see the next part. Next part में a pattern of number chart is given here. एक number chart दिया है, उस पे कि green color से shade करके कुछ pattern दिया है. Now we have to solve some questions based on these patterns. Okay, so let's move ahead. Let us do. Look at the number chart and write down the answer. कुछ questions हैं, हमें number chart को देखते हुए answer करना है. So सबसे पहले है, dash comes just before 10. 10 से सबसे पहले क्या आता है, तो 9 लिखेंगे यहाँ. Then next is comes just before 20. 20 से just पहले क्या है, 19. Then just before 30, 29. And just before 40 will be the 39. Okay, so इस तरीके से हमने ये लिखा. Next part में इसके कह रहा है, do you see any pattern? क्या आप कोई पैटर्न दिख रहे हैं? अपने 9, 19, 29 और 39 लिखा तो कोई आपको पैटर्न दिख रहा है? If yes, shade the numbers on the number chart. आपको वो नंबर चार्ट पे शेड करना है. So yes, यहाँ एक पैटर्न है, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 एंड 99. So इसको हम शेड कर देंगे और यहाँ पर ब्लैंक्स में फिल कर देंगे. नेक्स्ट है, नाउ लुक एट द नंबर कलर्ड ग्रीन इन द नंबर चार्ट. अब ग्रीन कलर से शेड करके कुछ नंबर्स दिए गए हैं, राइट दैम. अब इनको हमें लिखना है, तो 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 एंड 100. जैसे 34 में लास्ट डिजिट है 4, तो ये नेक्स्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट बन जाएगा 4 एंड देन 5. 5 नेक्स्ट डिजिट का फर्स्ट नंबर बन जाएगा 5, देन 6. ओके, सो इस तरीके से एक पैटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण्य मेड अ नंबर विंडो. लक्षण्य ने एक नंबर विंडो बनाया, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं 28 के ऊपर, एंड प्लेस्ड इट ऑन द नंबर चार्ट ऑन द गिवन बिलो. एक नंबर चार्ट है यहां पर, उसके ऊपर उसने इस विंडो को फिक्स कर दिया है. कुछ क्वेश्चंस हैं, इस बेसिस पे हमें सॉल्व करने हैं. तो पहला है, इफ द सेंटर ऑफ द विंडो इज प्लेस्ड ऑन 28, अगर 28 पे कोई सेंटर है उस विंडो का, तो हमें देखना है कि विच नंबर विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट. तो 28 के ऊपर कौन सा नंबर आएगा? सो 28 के ऊपर 10 लेस नंबर आएगा. 28 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं 18 विल बी द आंसर. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है, विच नंबर विल बी बिलो इट. अब 28 के नीचे कौन सा आएगा? तो नीचे हमें 10 ऐड करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर विल बी 38, right? Similarly, next है, which number will be on its right? Right के लिए हमें एक add करना पड़ेगा. तो 28 में 1 add करेंगे तो 29. And next is, which number will be on its left? तो left के लिए एक minus करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा, 28 में से 1 गया तो 27. Okay? So, अगर हमें जस्ट ऊपर वाला नंबर पता करना है तो 10 माइनस करेंगे, जस्ट नीचे वाला पता करना है तो 10 ऐड करेंगे, राइट वाले के लिए 1 ऐड करेंगे और लेफ्ट वाले के लिए 1 लेस करेंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. लेट अस डू इट फॉर अदर नंबर्स. अभी हमने 28 के लिए किया, ऐसे ही हमें 3 और दिए हुए, इसके लिए करना है. तो 53, 53 का जस्ट ऊपर वाला नंबर क्या होगा? 10 माइनस करेंगे 43, 10 ऐड करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा 63, 1 ऐड करेंगे तो राइट वाला आ जाएगा 54, 1 लेस करेंगे तो लेफ्ट वाला आ जाएगा 52. नेक्स्ट देख लेते हैं, 26, 10 माइनस करेंगे 16, 10 ऐड करेंगे 36, 1 ऐड करेंगे 27 और 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25. नेक्स्ट है 74, 10 ऐड करेंगे तो 84, 10 माइनस करेंगे 64, 1 ऐड करेंगे तो 75, 1 माइनस करेंगे तो 73. तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है. अब इसी बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. बेस्ड ऑन द सेम नंबर ग्रिड फिल द मिसिंग नंबर्स, और इन मिसिंग नंबर्स को हमें फिल करना है. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले हमें 8 दिया हुआ है और 8 का राइट में एक खाली ब्लैंक है, तो राइट के लिए हमें 1 ऐड करना होता है तो क्या आ जाएगा 9. 8 के जस्ट नीचे हमें 10 ऐड करना पड़ेगा तो 8 प्लस 10 18. इसके लेफ्ट में 1 माइनस करना पड़ेगा 17. 18 के जस्ट नीचे 10 ऐड करना पड़ेगा तो 28. सिमिलरली 69 दिया हुआ है, तो राइट के लिए 1 ऐड करेंगे 70,
लेफ्ट के लिए 1 माइनस करेंगे 68 और इसके नीचे के नंबर्स के लिए 10 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 79 एंड 89। नेक्स्ट है 65 का लेफ्ट के लिए हमें 1 माइनस करना है 64 और नीचे के दो नंबर्स के लिए 10 ऐड करना है 75 एंड 85 और 85 का एक राइट वाला नंबर चाहिए तो 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 86। ओके सो इस तरीके से ये पैटर्न्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है 57 के राइट के लिए हम हमेशा 1 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 58। अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, 58 के जस्ट ऊपर वाले नंबर के लिए 10 माइनस करेंगे तो 48, 58 के जस्ट नीचे वाले नंबर के लिए 10 ऐड करेंगे तो 68। अब 68 का राइट वाला नंबर चाहिए तो 1 ऐड करेंगे तो 69, 69 के जस्ट ऊपर दो नंबर्स चाहिए तो 10 माइनस कर देंगे तो 59 एंड 49। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 46। सो 46 का ऊपर वाला पता करने के लिए माइनस 10 36, नीचे वाले के लिए 10 ऐड करेंगे तो 56, राइट वाले के लिए 1 ऐड करेंगे 47, लेफ्ट वाले के लिए 1 माइनस करेंगे तो 45 और 45 के जस्ट नीचे के लिए 10 ऐड करेंगे तो 55। नेक्स्ट है 16 के दो नीचे वाले नंबर चाहिए तो 10 ऐड करेंगे, 16 में 10 ऐड किया 26 में 10 ऐड किया तो 36। अब 26 के जस्ट राइट वाला नंबर तो प्लस 1 करेंगे 27 के जस्ट नीचे वाला नंबर तो 10 ऐड करेंगे 37 में 1 ऐड करेंगे तो 38। ओके नेक्स्ट है 32, तो इसका ऊपर वाला नंबर माइनस 10 22, नीचे वाला प्लस 10 42। ओके एंड वेरी सिंपल, 22 में 1 ऐड करेंगे तो राइट वाला नंबर 23, 1 और ऐड करेंगे तो 24, 42 में 1 ऐड करेंगे तो 43, 43 में 1 ऐड करेंगे तो 44। ओके नेक्स्ट है 36 के दो डिजिट्स नीचे पता करना है तो 10 ऐड करेंगे 56 में 1 ऐड किया 57 क्योंकि राइट वाला नंबर चाहिए, 57 में 1 ऐड किया तो 58 और 58 के दो ऊपर वाले नंबर्स चाहिए तो 10 हम माइनस करेंगे तो 58 में से 10 गया 48 में से 10 गया तो 38। ओके एंड द लास्ट इज 55 के जस्ट ऊपर वाला नंबर 10 माइनस करेंगे 45 का लेफ्ट माइनस 1 करेंगे तो 44 और 45 में 1 ऐड किया तो 46। सिमिलरली 55 के नीचे वाले नंबर के लिए 10 ऐड करेंगे 65 में से 1 माइनस करेंगे तो 64 और 1 ऐड करेंगे तो 66। सो इस तरीके से हमने ये कर लिया है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि ये आपके लिए ईजी हो जाए। ओके अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, एक्सप्लोरिंग द पैटर्न्स। कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, हमको उन्हें एक्सप्लोर करना है, पता करना है एंड वी हैव टू ऑब्जर्व हाउ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर इंक्रीजिंग इन द फॉलोइंग शेप्स एंड एक्सटेंड द पैटर्न। कैसे जो है पैटर्न इंक्रीज हो रहा है, बॉक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, पैटर्न को कंप्लीट करना है, एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स दिया है, उसके बाद तीन बॉक्सेस दिए हैं 1, 2 एंड 3, उसके बाद 6 बॉक्सेस दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। अब हम एक पैटर्न देखते हैं, अगर 1 में मैं 2 ऐड करूंगी तो 3 आ जाएगा, 3 में 3 ऐड करूंगी तो 6 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 3, अब नेक्स्ट क्या ऐड होगा 4, तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो मुझे यहाँ 10 बॉक्सेस इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। फिर 10 में क्या ऐड करूंगी 5, 10 में 5 ऐड किया तो 15, सो इस तरीके से हम बॉक्सेस ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है, पहले 1 बॉक्स है, फिर 4 है, फिर 9 है, राइट। तो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 1 into 1, 1, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 2 into 2, 4, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई है, 3 threes are 9। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, देन नेक्स्ट इज 4, 4 into 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा 5 into 5, सो 4 into 4, 16 एंड 5 into 5, 25। तो यहाँ पर हमें 16 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं और यहाँ पर हमें 25 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें 5 बॉक्सेस दिए हुए हैं, नेक्स्ट 8 बॉक्सेस दिए हुए हैं, राइट। एज यू कैन सी हियर, इसमें हम देखेंगे कि 5 में 3 ऐड किया है तो 8 आ गया है, 8 में भी हम अगर 3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, राइट। सो बेस में एक एक बॉक्स बढ़ रहा है, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, इस तरीके से हम बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। ओके आपको भी ये ट्राई करना है, एक पैटर्न बनता है, उस बेसिस पे हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बहुत सुंदर सी एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें कहा गया है लेट अस प्ले बिंगो।
एक गेम होता है वो हमें खेलना है, उसके लिए हमें ग्रिड ड्रॉ करना है। रोज जो है 3 होने चाहिए और कॉलम जो है वो 4 होने चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब क्या है, फिल द बॉक्सेस ऑफ द ग्रिड विद एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12। 2 से लेके 12 तक हमें कोई भी नंबर्स उस बॉक्स में फिल करने हैं। नंबर्स कैन बी रिपीटेड, नंबर जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए रैंडमली मैंने कुछ नंबर्स यहाँ लिख दिए हैं, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। नाउ लेट वन चाइल्ड थ्रो 2 डाइस, एक बच्चा 2 डाइस को फेंकेगा। से द सम ऑफ नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द डाइस, और बाकी के बच्चे देखेंगे कि दोनों डाइस पे कितने नंबर्स आ रहे हैं, और उसके बाद जो नंबर ऐड करने के बाद इस ग्रिड में से नंबर से मैच हो जाएगा उसको हम क्रॉस कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। लेट्स से इस बच्ची ने 2 डाइस फेंके, एक पे 3 आया एक पे 4 आया, तो 3 और 4 टोटल कितने होते हैं 7, तो ऐड किया तो 7 इस ग्रिड में जहां पर है हम उसको क्रॉस कर देंगे। फिर देखते हैं दोनों डाइस पे 3 आया, तो 3 और 3 को ऐड किया तो कितना आ गया 6, तो अब 6 को क्रॉस कर देंगे। फिर दोनों पे 2 आया, तो 2 और 2 4, 4 को क्रॉस कर देंगे। फिर 3 और 2 5, 5 को क्रॉस कर देंगे। देन 6 और 2 8, 8 को क्रॉस कर देंगे। देन 4 और 2 अगेन 6, 6 को क्रॉस कर देंगे। देन 4 एंड 4 8, 8 को क्रॉस कर देंगे। एंड देन 5 एंड 5 10, 10 को क्रॉस कर देंगे। देन 6 एंड 4 अगेन 10, तो इस वाले 10 को भी क्रॉस कर देंगे। देन 6 एंड 6, दोनों पे 6 आया तो 12, सो 12 को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है एक पे 6 है एक पे 5 है, वी विल गेट 11, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 11 को क्रॉस कर देंगे। एंड 6 एंड 3, एक पे 6 है एक पे 3 है, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 9, तो यहाँ पे हम 9 को भी क्रॉस कर देंगे। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कम्प्लीटेड दिस एंटायर चैप्टर। आप इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं, बाकी के चैप्टर्स की लिंक भी प्लेलिस्ट दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।